तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी। माताओं बंधुओं एक बात बताइए, ये वही प्रभु श्री राम है जो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हर लेना, मार दो राम। राम ने मार दिया। राम जी ने पूछा नहीं क्यों मारना है, काहे को मारना है, कौन है, क्या दुश्मनी है, कुछ नहीं, मार दिया। और यहाँ राम जी से बार बार कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि राम रहने दो, रहने दो, मत दबाओ चरण, लेकिन राम जी मान नहीं रहे। अवज्ञा हो गई, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, बार बार कहना पड़ रहा है मुनिवर को। सदैव याद रखिएगा माताओं बंधुओं, तीन ऐसे काम होते हैं जिसमें अवज्ञा करना ही ठीक होता है बजाय आज्ञा मानने के। दोहा लिख रहे हैं एक संत कि सेवा, सबसे पहले सेवा में अवज्ञा ही ठीक है। यदि आप किसी के चरण दबा रहे हैं, यदि आप किसी के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं रहने दो, बस मत करो, रहने दो, तो आप तुरंत मत रुक जाइए। भाई चरण दबाएंगे तो हाथ दर्द हो रहा है, वो समझ रहा होगा रहने दो रहने दो, तो तुरंत मत रुकिए, थोड़ा सा और दो पांच मिनट दबा के फिर रुकिए। दूसरा भोजन, यदि आप किसी को भोजन करा रहे हैं, संकोच में वो कहेगा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, बस 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 पेट भर गया, उसमें भी मत मानिए, एक दो रोटी जबरदस्ती आगे खिलाइए, ये हमारे यहाँ का संस्कार है। और तीसरा दान, किसी को देते समय भी वो मना करेगा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, हमको आवश्यकता नहीं, तो उस समय भी वापस पर्स में मत रख लीजिए। उसका काम है मना करना, उसका धर्म, और आपका धर्म है दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना। तो सेवा भोजन दानों में आज्ञा भंग न रो दोष, इसमें दोष नहीं लगता, इनमें आज्ञा भंग भी हो जाए, बार बार गुरु रो कहीं तबहु न कीजिए तोष। तोष माने होता है संतुष्टि, संतुष्ट मत हो जाइए अगर गुरु जी कह रहे हैं बार बार किसी बात को। यही हुआ प्रभु श्री राम के साथ, बार बार कह रहे हैं मत करो मत दबाओ, लेकिन राम जी मान नहीं रहे। तो बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तब रघुबर जाई सयन तब कीनी। विश्वामित्र जी महाराज को पसीना आ गया राम जी को वापस भेजने में, तो क्या हुआ, जैसे ही राम जी गए और राम जी लेटे, तब तक चापत चरण लखन उर लाए। लक्ष्मण जी दबाने लग गए, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। तो लक्ष्मण जी ने भी वही बात कही, उन्होंने कहा वाह प्रभु, प्रभु अभी मैंने देखा है कि गुरु जी ने आपको कितनी बार मना किया लेकिन आप नहीं गए, तो जब आप गुरु जी की बात नहीं माने तो हम क्यों आपकी बात मानेंगे। भाई देखिए छोटा, मैंने कल भी कहा था, जैसे बड़ा आचरण करेगा वही छोटा सीखेगा। अभी आपके ऊपर है कि आपके आचरण कैसे हैं, आप जो करेंगे बच्चा आपसे वही सीखेगा, आपका छोटा वही सीखेगा। तो जितना पसीना विश्वामित्र जी महाराज को राम जी को भेजने में आया था, उतना ही पसीना राम जी को लक्ष्मण जी महाराज को बाद में रोकने में आया। पुनि पुनि प्रभु कह सो वहु ताता, और पौड़े धरी उर पद जल जाता। वहीं लेट गए, सोए नहीं जा करके। माताओं बंधुओं ये तो हुआ क्रम सोने का, अब उठने का क्रम भी देख लीजिए जरा। उठे लखन निसि भिगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान। उठने का क्या क्रम है, सबसे पहले उठे लक्ष्मण जी महाराज जो सबसे आखिरी में सोए थे। हमारे यहां भी यही क्रम होना चाहिए, ध्यान दीजिए। सोते समय जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हों वो सबसे पहले उनको लिटाया जाए, उन पे चादर बिछाई जाए, उनके ऊपर दूध दूध पिला के उनको लिटा दिया जाए। उसके बाद उनसे जो छोटे हों माता पिता वो अपना लेटे, और सब किचन विचन बंद करके वो अपना लेटे, और जो सबसे छोटे हों वो उसके बाद गेट का ताला लगाना, लाइट बंद करना, और सारा मामला वो सबसे छोटे करें। सबसे छोटे सबसे आखिरी में सोएं, ये क्रम है। तो क्रम तो आज भी वही चल रहा है माताओं बंधुओं, क्रम नहीं बदला है, सबसे छोटे ही सबसे आखिरी में सो रहे हैं। लेकिन इसलिए नहीं सो रहे हैं वो कि कोई सेवा करके और ताला लगा रहे हो। आज के इस मोबाइल के युग में रात रात भर टीवी और मोबाइल में व्यक्ति जब लगा रहेगा बच्चा, तो क्रम तो वही है, लेकिन ये सही क्रम तब होता जब उठने का भी वही क्रम होता।
सोते तो है रात में 2 बजे और उठते हैं सुबह 9 बजे, क्योंकि रात भर मोबाइल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, मामला गड़बड़ाया हुआ है, सारी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन उठ रहा है, उठे लखन निसी विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। अरुण शिखा, अरुण शिखा का अर्थ मुर्गा, यही हमारे सनातन धर्म का अलार्म था पहले, मुर्गा ये बजता था 4 बजे, समझ जाइए कि उठने का समय हो गया है। पहले कोई अलार्म अलार्म तो था नहीं गांवों में, तो अरुण शिखा धुनि कान गुरुदेव पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। और राम जी महाराज फिर जगे, अंत में गुरुदेव जगे। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, अभी सखी ने कुछ समय पहले एक बात कही थी जनकपुर में कि सखी जनक जी यदि इनको देख लेते तो हो सकता है धनुष यज्ञ की परिपाटी नहीं रखते। तो दूसरी सखी ने कहा था कि नहीं नहीं सखी, हम जानते हैं जनक जी महाराज को, हम भी यही समझते थे, लेकिन वो तो एक नंबर के अविवेकी का मतलब मूर्खी होता है, और क्या जिसमें विवेक ना हो वो मूर्ख निकले, हम तो उन्हें विद्वान समझते थे, वो तो अभी भी धनुष यज्ञ पे हट किए हुए। तो आपको क्या लगता है कि जनक जी इतने अविवेकी रहे होंगे? ध्यान दीजिएगा, दरअसल जनक जी महाराज और विश्वामित्र जी के बीच में गोपनीय वार्ता हो गई, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये संतों का भाव है, हम लोगों के मौलिक चिंतन मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ होगा। हुआ माताओं बंधुओं ये होगा कि रात्रि में जब मिले होंगे तो विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताइए जनक जी महाराज, आपको क्या लगता है ये धनुष कौन उठाएगा? भगवान शंकर का धनुष है, और एक से एक पहलवान आ रहे हैं, रावण आ रहे हैं, बाणासुर आ रहे हैं, देवता लोग आ रहे हैं रूप धर धर के, कौन उठा सकता है, क्या लगता है आपको कौन सबसे बड़ा बलवान है? तो जनक जी ने कहा देखिए ऐसा है, इस धनुष को उठाने के लिए किसी बलवान की आवश्यकता नहीं, ये धनुष तो वही उठा पाएगा जिसको मेरी कन्या पसंद कर लेगी, बस। जानकी जी जिस पर जिसको पसंद कर लेंगी तो ये सती के सतीत्व की बात है, उनके मन में जो पुरुष आ जाएगा वही धनुष उठाएगा, चाहे वो बलवान हो और चाहे वो टेढ़ पसली हो, चाहे वो दुबला पतला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनक जी ने कहा मुनिवर मुझे आपसे निवेदन ये करना है कि जिस प्रकार मैंने प्रभु श्री राम को देखकर इनको पसंद कर लिया, एक बार जानकी जी भी यदि इनको देख ले तो मुझे विश्वास है इनको पसंद कर लेंगी। तो कहा लेकिन अब विवाह की तैयारी शुरू हो गई है, अब ऐसे लड़का घर नहीं आ सकता मिलने दुल्हन से, विवाद हो जाएगा, नजरें लगी है लोगों की, धनुष यज्ञ बहुत लाइमलाइट हो गया है मामला, सारे राजा आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कहा फिर, तो कहा ऐसा किया जाए कि इन दोनों को कहीं बीच में मिला दिया जाए, बीच में कहीं। तो कहा कहां मिलाएं ये तो बताओ। तो तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, फुलवाई देखने गए थे। तो कहा ऐसा करिए इनको फुलवाई वहीं फिर से भेज दीजिए कल। तो कहा कितने बजे? कहा ठीक 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भेजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है इतने बजे हम भी भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही वो समय आया ना तो समय जानी गुरु आय सुपाई और लेन प्रसून चले दो भाई भूप बाग पर देखी जाई और जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। देखिए ये भी क्या सुंदर बात है। माताओं बंधुओं भगवान श्री राम, भगवान का भक्ति से समागम होने जा रहा है, पुष्प वाटिका गोस्वामी जी का मौलिक चिंतन है ये 11 दोहे की पुष्प वाटिका, ध्यान दीजिएगा। माताओं बंधुओं भगवान का भक्ति से प्रथम बार मिलन है। बसंत ने कहा मैं जाऊंगा अगुवाई करने राम जी की, गोस्वामी जी ने कहा बसंत आप नहीं जाएंगे, पहली बात तो आपका समय नहीं है, जिसका समय होगा वो जाएगा कि आप चले जाएंगे अपने मन से। क्यों माताओं बंधुओं, जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था तब कौन सा महीना चल रहा था? मंगल मूल लगन दिनुआवा और हेम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन का महीना था, बसंत कहां चला जाएगा, बसंत आप नहीं जा सकते। तो बसंत ने कहा मैं ऋतुराज हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा? तो कहा तो आप ऋतुराज हैं लेकिन समय नहीं है। तो बसंत ने कहा ऐसा ऋतुराज होने से क्या फायदा,
जबरदस्ती का पद आपने दे दिया और हम ये नहीं कर पाए तो किस बात का ऋतुराज, हम तो जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा देखिए आप इसलिए भी नहीं जा सकते क्योंकि आपके मित्रों को भी मैंने नहीं जाने दिया है अंदर। कौन? कहा पहले तो पवन को नहीं जाने दिया। पुष्प वाटिका में आप कहीं पर भी पवन को नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा क्यों? कहा देखिए ये पवन जाता है तो पवन काम के वेग को बढ़ाता है। यही हुआ था नारद जी महाराज के पास जब गए थे कामदेव, तो पहले अपने दो मित्रों को भेजा था। कौन कौन? ते ही आश्रम ही मदन जब गयो तो निज माया बसंत निर्मय। पहले बसंत और दूसरा चली सुहावनी त्रिविध बयारी। पवन क्या हुआ? काम क्रसान बढ़ाव निहारी, जो काम के वेग को बढ़ाती है। और जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकहीं रवि रजनी एक धाम। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं, नहीं जाने दूंगा। पवन भी नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाएंगे। तो बसंत ने कहा ऐसा है पवन को मत जाने दो, हम कहां उसके लिए आपसे कोई वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट, लेकिन हमको तो जाने दो, अरे हम तो ऋतुराज हैं। ऐसा होता है ना कि जब व्यक्ति फंस जाता है तो आप सोचता है कि हमारा हो जाए काम बस अकेले, अब दूसरों कहां से करने जब हमारी एंट्री नहीं है। तो कहा फिर भी आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि ये जनाना बाग है, जनाना बाग, और जनाना बाग में पुरुषों का जाना वर्जित है। यहाँ भवानी माता का भी अकेला मंदिर है, महादेव नहीं है, आप कैसे जाएंगे? बसंत का ऐसा मत करो, इतने सारे नियम आज ही लगाओगे आप हमारे ऊपर, कुछ तो मित्रता समझो गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी ने कहा एक उपाय लगा सकता हूं मैं इसमें। कहा क्या? कहा देखिए जनाना बाग है, यदि आप चुपचाप साड़ी पहन ले और कोई पहचान ना पाए आपको तो साड़ी पहन के अंदर चले जाएंगे, काम बन जाएगा। तो बसंत ने कहा साड़ी कैसे पहनेंगे, साड़ी पहनना हमको नहीं आता। गोस्वामी जी ने कहा हम पहनाए दे रहे हैं आपको साड़ी, क्या साड़ी पहनाई माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। बसंत तब तक बसंत है तब तक कुर्ता पैजामा पहना है, पैंट शर्ट पहना है, जब तक वो बसंत अकेले लिख रहा है। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। तब तक वो पैंट शर्ट में है, कुर्ता पैजामा में है, और जैसे ही बसंत को ऋतु की साड़ी पहना दी जाए तो वो स्त्री लिंग हो जाएगा। भूप बाग पर देखिए जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु हो गया। तो माताओं बंधुओं जैसे ही बसंत ऋतु हुआ ना, तो उसने कहा तुलसीदास तुम हमको साड़ी पहना दिए, हम पे इतने नियम लगा दिए, तुमको भी नहीं जाने दूंगा अंदर, जाके बताओ अंदर। अब तुम, हम लोग कहते ना कि अब हमारे साथ किया तो आपको भी हम देखेंगे, अब आप करके बताइए, नियम सब पे एक जैसा है, तो आपको भी नहीं जाने दूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा हम भी चिंता ना करो, हम भी साड़ी पहन रहे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे? कहा देखिए जब तक हम तुलसी दास हैं तब तक पुरलिंग है, और तुलसी दास से दास हटा दो तो क्या हो गया, स्त्री लिंग बन गया। पढ़िए छंद मनु जाहि राचे ओ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो एही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षि अली। और तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तो तुलसी भी चला से चली होके जा रहे हैं। भूप बाग पर देखिए जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेली बिताना, चातक कोकिल कीर चकोरा, खूंचद बिहग नटत कल मोरा। तो बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य राम यह जो राम ही सुख देत। भगवान देख रहे हैं वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या पुष्पवाटिका है। अब प्रभु तो लक्ष्मण जी महाराज के साथ देख रहे हैं, तब तक क्या हुआ,
ततक्त ही अवसर सीता तह आई। माता जानकी चली आ रही है, गिरजा पूजन जननी पठाई। आई मज्जन करी सर सखिन समेता और गई मुदित मन गौरी निकेता। माता जानकी माता गौरी के यहाँ माता भवानी के यहाँ पूजा करने चली जा रही है। पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सहज बर मांगा। माताओं बंधुओं निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप बर मांग रही है माता जानकी। तो जब अपने अनुरूप बर मांग रही हैं, माता पार्वती ने कहा एक बात बताई जानकी जी, आपको अपने अनुरूप बर चाहिए? हाँ। तो कहा देखिए ये तो मैं नहीं कर सकती, पसंद तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। माता आप हमारी आदरणीय, हम आपके लिए खोजेंगे, आप जो पसंद कर लेंगे उनको वो आपके बर है, जो आपको रुच जाएगा, जो आपकी रुचि में होगा। तो माता ने कहा नहीं नहीं, आपकी रुचि में मेरी रुचि है। अब दोनों धर्म संकट में। तो माता पार्वती ने कौतुक किया बीच में, क्या किया जानते हैं? कि एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी थी वो खो गई। ये सखी कौन है माताओं बंधुओं? ये एक सखी से पहले हमको समझना होगा कि एक कौन है, तोड़ना पड़ेगा इसे, विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद। एक कौन है? तो एक है एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान श्री राम। तो एक यदि भगवान श्री राम है तो उनके सखा कौन है? सखी से पहले सखा को हम पता कर ले। तो सखा केवल एक है, सेवक स्वामी सखा सी अपी के और हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। सखा है महादेव हमारे, भगवान शंकर है सखा। तो सखा है शंकर जी, तो सखी कौन हुई? उन्हीं की धर्म पत्नी माता पार्वती जी चली जा रहे हैं। एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। माता जानकी चली आ रही हैं, दासु दशा सा जानकी के पास चली आ रही हैं। दासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हरस कर पूछती सब मृदु बहन। क्या हो गया, इतने इतनी हाफ क्यों रही हो, इतनी प्रसन्न क्यों लग रही हो, या आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं, कारण तो बताओ। अब वो सखी बेचारी प्रसन्नता में इतनी इतनी उत्साहित है, वो सखी कह रही है जानते हो मैंने क्या देखा है अभी, किसको देख के आ रही हूं मैं, किसको? बोली देखन बाग कुंवर दो आए। का कुंवर आए हैं, दो कैसे लगते हैं? बोले वो बय किशोर जवान है। और बताओ, और कुछ पहचान बताओ? बोले सब भांति सुहाए, बड़े सुंदर लगते हैं। तो कहा जवान है सुंदर है, और कोई बताओ कुछ विशेषता, इतने में कैसे हम समझ पाएंगे कैसे लगते हैं? बोले वो श्याम गौर, श्यामले और गौरे हैं, श्यामले और गौरे हैं। सखियों ने कहा देखो ऐसा है, बाई किशोर है, कुंवर है, सुहाए हैं, सांवले गोरे हैं, यही यही होते हैं, या तो सांवला होगा या कोई गोरा होगा, जवान है कुंवर तो है ही, इसमें कौन सी विशेषता, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। सखी कहती है इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती, इससे ज्यादा आह मनुज की वह दुर्बलता, जब दिल भरता शब्द न मिलते, आंखें कुछ कहने को आतुर किंतु हिलाए अधर न हिलते। जब कभी कभी ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है ना, तो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन होठों में वो बात नहीं आ पाती। कह रही है कि मैं कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जो देखा है वो बोल नहीं सकती, जो बोल रही हूँ वो देखा नहीं है, आंखों ने कुछ और देखा है, वाणी कुछ और बोल रही है। कैसे वर्णन करूं सुंदरता और कैसे तेरा रूप बताऊं, आखिर शब्द कहां से लाऊं। सखी कह रही नहीं सूझते शब्द लुप्त तो हैं, जागृत थे जो भाव सुप्त तो हैं,
अरे कैसे मन के भाव जगाऊं, आखिर शब्द कहां से लाऊं, कहां से उन शब्दों को लाऊं जो उनके रूप का वर्णन कर सके। गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो सखी कहती है दूसरी कि अरे भाई रूप की सुंदरता नहीं बता सकती, रूप कैसा है ये नहीं बता सकती, तो रूप का प्रभाव क्या है यही बता दो, क्या करता है वो रूप यही बता दो। तो कहा हाँ ये जरूर बता सकती हूँ, रूप का प्रभाव जरूर बता सकती हूँ। क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में बहुत बहुत व्यवहारिक बात है ये। हम जब किसी की विशेषता नहीं बता पाते तो उसका प्रभाव बता देते हैं, प्रभाव बताना ज्यादा आसान होता है बताए बजाय विशेषता बताने के। कैसे, मान लीजिए यहाँ कल्पवासी बहुत सारे हैं, सब ग्रामीणांचल से आए हैं और कुछ विद्वान भी आए होंगे। तो जो ग्रामीणांचल से आए हैं वो मेडिकल जाएंगे दवाई लेने तो अलग बात बोलेंगे, और विद्वान जाएंगे वो अलग बात बोलेंगे। विद्वान व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को बताना है वहां दवाई देने वाले को कि हम गांव के नहीं है कल्पवास होकर आए, हम विद्वान हैं, हमें आता है। तो मान लीजिए उसको बुखार होगा तो वो कहेगा कि ऐसा है कि पैरासीटामॉल और थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा प्रोफेन का भी कॉम्बिनेशन दीजिए, ड्रग ये मिला हो उसके अंदर, वो इस प्रकार से बात करेगा। और उसकी दवाई अगर कोई और देने लगेगा वो देने वाला मेडिकल वाला, तो मेडिकल वाला इस बात को कहेगा कि नहीं नहीं ड्रग वही है आप पढ़ लीजिए, मैं बस नाम अलग है, दूसरी कंपनी की दवाई देखिए लिखा है इसमें वो है, तो वो मानेगा इस बात को, ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन ग्रामीणांचल वाला जब जाएगा तो ये सब नहीं कहेगा, वो केवल कहेगा देखो दर्द हो रहा है शरीर में, कोई ऐसी दवाई दे दो जो मेरा दर्द खत्म हो जाए, माने वो दवाई का प्रभाव बताएगा। और विद्वान व्यक्ति दवाई की विशेषता बताएगा, ड्रग बताएगा उसके अंदर के। तो सखियों ने कहा ऐसा है सखी, यदि आप दवाई की, आप रूप की विशेषता नहीं बता पा रहे तो प्रभाव ही बता दो कम से कम। सखी कहती है वो मैं जरूर बता सकती हूँ, जिन्होंने जो रूप मोहनी डारी, और किन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवसी देखी हई देखन जोगो। ऐसी मोहनी डारी है कि आज तो पूरे नगर में केवल उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं के रूप की चर्चा हो रही है। जनकपुर में कोई दूसरा बात करने को ही तैयार नहीं, कोई दूसरी बात, केवल उन्हीं प्रभु की बात हो रही है। अच्छा, तो तासु बचन सुन सखी हर्षानी, सियही अति उत्कंठा जानी। माता जानकी को भी लगा लाओ देखा जाए, अब माता जानकी के साथ सारी सखियां ढूंढने चल पड़ी। चितवती चकित कहूं दिस सीता, और कहां गए नृप किशोर मन चिंता, कहां गए कहां गए। अब सारी सखियां देख रही हैं, तब तक लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, बिक से जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिल गाए। मानो दो दो चंद्रमा एकदम से हो गए हो, ऐसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज लताओं के बीच से जैसे ही निकले ना, माताओं बंधुओं माता जानकी और भगवान श्री राम का सामना हो गया। भये बिलोचन चारु अचंचल, और मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। भगवान श्री राम माता जानकी को देख रहे हैं, माता जानकी भगवान श्री राम को देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, यही है मर्यादा रामचरित मानस की। मैं कई बार कहता हूं कि इससे मर्यादित ग्रंथ और कोई नहीं है। जो आपको स्वामी बंसीपुरी जी महाराज ने भी कहा था उस दिन कि जो भक्ति प्रदान करता है और साथ में ज्ञान प्रदान करने के तो एक से एक ग्रंथ हैं, लेकिन भक्ति के साथ इतनी मर्यादा के साथ यदि किसी ने भगवान भगवान की कथा का वर्णन किया है, भगवान के चरित्र का वर्णन किया है, तो ये केवल और केवल आपको रामचरितमानस में मिलेगा। बाकी सारे ग्रंथों में इतनी मर्यादा का पालन नहीं हो पाया। ध्यान दीजिएगा, जहां भगवान श्री राम माता जानकी से भी मिल रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि राजा निमी, जो पलकों पे बैठते हैं तो हमारी पलकें झुकती हैं, वो निमी है माता जानकी के पूर्वज।
और जैसे कि बच्चे जब मिलते हैं तो बड़े सोचते हैं कि भाई कबाब में हड्डी बनने का अर्थ नहीं है कुछ, क्यों हम कबाब में हड्डी बनने चले जाते हैं बड़े लोग। उसी प्रकार राजा निमि ने भी सोचा कि यदि हमारी बेटी और दामाद यहाँ मिल रहे हैं तो हम लोग बीच में क्या करेंगे कबाब में हड्डी बनके, वो निकल गए। देखिए और मर्यादा है कि आंखें नहीं झुक रही, भये बिलोचन चारु वचन चल और मनहु सकुच निमित्त जे दिगंचल। अब भगवान श्री राम माता जानकी को देख रहे हैं, माता जानकी भगवान श्री राम को देख रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री राम की तरफ देख रहे हैं। तो लक्ष्मण जी महाराज ने जैसे ही देखा, अरे प्रभु आप किस तरफ देख रहे हैं, कौन है आपको, ऐसे तो कभी किसी को नहीं देखते देखा, हमको तो बड़ा समझा रहे थे जनकपुर में, जनकपुर की गलियों में लक्ष्मण जी महाराज देख रहे थे ऊपर सखियों को, ध्यान दीजिएगा। अरे वो कह रहे थे बार बार देखते हुए प्रभु श्री राम, अरे भैया उसको देखिए वो कितनी अच्छी है, उसको देखिए वो कितनी सुंदर लग रही है। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण ऐसा है मर्यादा में रहो, कल को क्या बात होगी जनकपुर में कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के बेटे आए थे और जनकपुर में इस प्रकार से कन्याओं को निहारते घूम रहे थे, कितनी बेइज्जती होगी, मर्यादा में रहो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, अरे प्रभु यदि हम अपने लिए देख रहे होते तो मर्यादा के खिलाफ बात होती, हम तो जिनको देख रहे हैं वो आपके लिए देख रहे हैं, हमारे मन में कोई बात ही नहीं है तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आपको मत देखना हो मत देखिए। लेकिन अब जब भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी ने देखते देखा कि आप हमें बड़ा ज्ञान दे रहे थे, या आप क्या कर रहे हैं प्रभु किसको देख रहे हैं, भगवान श्री राम ने सीधे बात संभाली, अरे लक्ष्मण ये जानते हुए कौन है, ये कौन है तुम्हें मैं बताने ही वाला था बस, कौन है, बोले ये तात जनक तन याय सोई धनुष जग जेहि कारण होई, अरे पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरत फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोभा, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन को पंथ पग धरिय न पाओ, जिनके लहि नारी पुरन पीठी। चरित्र है प्रभु श्री राम का, युद्ध में शत्रु पीठ ना देखता हो जिनकी, ऐसा मनुष्य होना चाहिए। नहीं पावई परती मन दीठी, पराई स्त्री जिनकी आंखें ना देख पाती हो कभी, ऐसा चरित्र होना चाहिए प्रभु श्री राम का, होना चाहिए हमारा आपका, ये आदर्श है। मंगन लहै न जिनके नाही ते नर पर थोड़े जग माही, जिनके सामने कभी कोई जाचक जाए तो खाली हाथ ना लौटे, मंगन ना हो कहीं मांगने वाला ना छोड़े कोई किसी को, ऐसा होना चाहिए आदर्श। तो करत बत कही अनुज सन और मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। भगवान श्री राम देख रहे हैं, देख रहे हैं और भगवान श्री राम देख रहे हैं, माता जानकी भी भगवान श्री राम को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।